आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आ हंस लीदा खेची उरा धनिया मरे न दीदी धरती धनिया उबा गई धरा आ बात जोधपुर रा कवि बांकी दास रे मूडा सो बोलियोड़ी है जदये भारत में अंग्रेजों राज चालतो हो भारत लोग अपना मन सो कोई काम नहीं कर सकया उन समय लोग पूरा तरीका सो अंग्रेजों गुलाम आता इनज वास्ते राजस्थान रा कवियों द्वारा और अपना लोगों ने जागरूक करवा रहे अनेकों साहित्यों रचना कीनी। नहीं उन्हीं कवियों में जोधपुर रा बांगीदास मुंदिरा सूर्यमल मिश्रण आडा जवान जी बारहट दुर्गा दत्त आडा जादुराम, आसिया बुद्ध जी गोपालदान दिवाड़िया जड़ा कवि अपना साहित्य सो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक किना इन इस बाबत में कवि बांगीदास जी रा राजाओं और जनता में जोश जगावता तथा लिखियों के आयो अंग्रेज रे ऊपर आ हंस लीदा खेची उरा धनिया मरे न दीदी धरती धनिया उबा गई धरा मतलब के दूसरा देशा सु आयोड़ो अंग्रेज भारत ऊपर राज करे है और केवे के उन अंग्रेज ऑपरी सांसों माते भी अधिकार कर लियो है अपने सांस लेनी भी हाथरी बात नहीं है कभी आगे केवे के पहला रा जमाना में मा रा मालिक मर जाता पर मातृभूमि ने पराधीन नहीं होने देता लेकिन आज उन्हें दुख है कि मालिक रे जीवता रहता तखा मातृभूमि पराधीन हो गई है धरती गुलाम हो गई है कवियों अड़ी बातों और कविताओं असर राजस्थान रा लोगों माते पड़ियो और इनरे परिणाम स्वरूप राजस्थान रा लोग अंग्रेजों खिलाफ घरों से बाहर निकलिया इन तरीकाों राजस्थान में अठारह सौ सत्तावन क्रांति की शुरुआत हुई राजस्थान में अठारह सौ सत्तावन री क्रांति की शुरुआत अजमेर री नसीराबाद सावनीस हुई अंग्रेज़ों री सावनिया लुटन वाला ज्वारजी जी मारी प्रशंसा में लोक गीतों की रचना हुई रे द्वारा बीकानेर रा शासक री तारीफ़ों हुई क्योंकि बीकानेर रा शासक द्वारा जवार जी डाकू ने अंग्रेज़ों ने सौंपवासु मना कर दिया और जोधपुर शासकों मते व्यंग्य लिखिया क्योंकि उन्हें डूंग जी डाकू ने अंग्रेजों ने सौंप दिया हा। कवि लिखी वड़े साहित्य अठारह री क्रांति में अंग्रेजों खिलाफ बारूद बारूदरोम किरियो। इन संग्राम री लहर पूरा देश में फैली और जगह जगह अंग्रेजों विराध होने लगे तो पची एडी बातों में राजस्थान लारे कठे वालो अगर थोने वीडियो अच्छो लागो है तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करजो मैं हूँ आप दोस्त रिर्मल सिंह धन्यवाद